हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोर स्टूडियो। गाइस, इस वीडियो में आज हम टैली प्राइम में डिस्काउंट की एंट्रीज करना सीखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, हमारे चैनल पर सुपर थैंक्स का बटन भी एक्टिवेट हो गया है। आप हमें सुपर थैंक्स करके सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो बनाने में एक्चुअली बहुत मेहनत लगती है। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि इस वीडियो में हम टैली प्राइम में डिस्काउंट की एंट्रीज करना सीख रहे हैं, तो जो डिस्काउंट है वो दो तरीके का होता है, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। सबसे पहले जानते हैं कि कैश डिस्काउंट क्या होता है। अब सपोज आपने 10,000 के गुड्स खरीदे और दुकानदार ने कहा कि इस बिल को पे करने की जो ड्यू डेट है वो है 20। लेकिन अगर आप ड्यू डेट से पहले ही बिल की पेमेंट कर देते हैं, अगर आप 18 तारीख को ही बिल की पेमेंट कर देते हैं, तो उस केस में जब आपको दुकानदार बिल पर डिस्काउंट देता है, उसे कैश डिस्काउंट कहते हैं। यानी कि अगर आप ड्यू डेट से पहले ही बिल की पेमेंट कर देते हैं और उस पर जो आपको डिस्काउंट मिलता है उसको कैश डिस्काउंट कहते हैं। और कैश डिस्काउंट में हमें सेपरेट एंट्री करने की जरूरत होती है। अब समझते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट क्या है। ट्रेड डिस्काउंट में क्या होता है कि जो टोटल बिल अमाउंट होता है और उस टोटल बिल के अमाउंट पर जो हमें डिस्काउंट मिलता है उसे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। यानी कि अगर टोटल बिल का अमाउंट है 10,000 रुपए और उस पर अगर आपको सेलर ने 100 रुपए का डिस्काउंट दे दिया तो बिल का अमाउंट हो गया 9,000 रुपए। तो इसी को ही ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। और जो ट्रेड डिस्काउंट है वो आपको कैश और क्रेडिट दोनों ही ट्रांजेक्शन पर मिलता है। और ट्रेड डिस्काउंट में सेपरेट एंट्री करने की जरूरत नहीं होती है। तो अब देखते हैं कि टैली प्राइम में आप डिस्काउंट की एंट्रीज कैसे करेंगे। तो डिस्काउंट की एंट्रीज करने से पहले आपको यहाँ पर जो है डिस्काउंट के लेजर्स क्रिएट करने होंगे, जिसके लिए आप यहाँ पर क्रिएट से लेजर पर आएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव्ड का लेजर क्रिएट करेंगे। अंडर में यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इनडायरेक्ट इनकम और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। और एक दूसरा लेजर यहाँ पर क्रिएट करेंगे डिस्काउंट अलाउड के नाम से, या आप यहाँ पर डिस्काउंट पेड के नाम से भी लेजर बना सकते हैं। और इसे हम रखेंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसमें भी एक्सेप्ट कर लेंगे कंट्रोल ए करके। और अब ये दो लेजर्स क्रिएट करने के बाद हम यहाँ से वाउचर्स पर आएंगे एंट्रीज को पास करने के लिए। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर कैश डिस्काउंट की एंट्री देखेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर स्क्रीन पर एग्जांपल है, परचेज गुड्स रुपीज 20,000 ऑन 10% कैश डिस्काउंट। यानी कि 20,000 रुपए के गुड्स जो हैं वो 10% के कैश डिस्काउंट पर परचेज किए हैं। और हमने यहाँ पर जो है गुड्स कैश में परचेज किए हैं। जब भी आपको कैश परचेज या कैश सेल की एंट्री करनी होती है, तो तब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर राइट साइड में आएंगे और यहाँ से चेंज मोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे अकाउंटिंग इनवॉइस, क्योंकि अभी हम यहाँ पर केवल अकाउंट्स ओनली की बात कर रहे हैं। तो अब जैसे कि हमने गुड्स जो है कैश में परचेज किए हैं, तो इसकी हम एंट्री करते हैं। सबसे पहले आप सप्लायर का इनवॉइस नंबर एंटर कर देंगे। पार्टी नेम में यहाँ पर आ जाएगा कैश, क्योंकि हम गुड्स कैश में परचेज कर रहे हैं। पर्टिकुलर्स में आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे परचेज, और जो गुड्स हमने परचेज किए हैं वो 20,000 के हैं, तो यहाँ 20,000 एंटर कर लेते हैं। और अब हमें यहाँ पर जो है इस कैश परचेज पर 10% का डिस्काउंट मिला है, तो यहाँ पर हम लेजर सेलेक्ट करेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड का। यानी कि जब आप परचेज करते हैं और परचेज करने पर जब आपको डिस्काउंट मिलता है, तो तब आपको लेजर वहाँ पर सेलेक्ट करना है डिस्काउंट रिसीव्ड। और जितना आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है उसे आप यहाँ पर रेट कॉलम में एंटर कर लेंगे। यहाँ पर हम एंटर करेंगे -10, एंटर प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे 20,000 पर 10% कैलकुलेट होके यहाँ शो हो गया है 2,000 और बिल का अमाउंट हो गया है 18,000। और अगर आप इस एंट्री को डेबिट क्रेडिट मोड में एंटर करना चाहते हैं, तो आप यहां से राइट साइड में आएंगे, चेंज मोड पर क्लिक कर देंगे, या आप कीबोर्ड से कंट्रोल एच प्रेस कर देंगे और यहां से आप सेलेक्ट करेंगे एज वाउचर। तो आप देख सकते हैं कि जो एंट्री है वो डेबिट क्रेडिट मोड में चेंज हो गई है। और अगर आप डायरेक्टली इस एंट्री को डेबिट क्रेडिट मोड में करते, तो सबसे पहले आपको एंटर करना होता कैश, और कैश के सामने आपको वो अमाउंट एंटर करना है जो आपको डिस्काउंट के बाद रिसीव हुआ है। डेबिट साइड में आपको एंटर करना है परचेज अकाउंट, और परचेज अकाउंट में टोटल जितने अमाउंट के गुड्स परचेज किए हैं वो अमाउंट आएगा। और क्रेडिट साइड में एंटर करेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड, और डिस्काउंट रिसीव्ड में वो अमाउंट आपको शो हो जाएगा जितने अमाउंट का आपको डिस्काउंट मिला है। तो अब हम यहाँ पर कंट्रोल ए प्रेस करते हैं इस एंट्री को एक्सेप्ट करने के लिए। आपके पास दोनों मेथड हैं, आप डेबिट क्रेडिट मोड में भी इस एंट्री को कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर अकाउंटिंग इनवॉइस पर आकर भी इस एंट्री को इस तरीके से कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर कंट्रोल ए प्रेस करेंगे इसे एक्सेप्ट करने के लिए। तो जिस भी मोड में आपको ठीक लगता है, आप अपने अकॉर्डिंग इस एंट्री को पास कर सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर देखा कि अगर आप गुड्स परचेज करते हैं डिस्काउंट पर, उसकी एंट्री को आप कैसे पास करेंगे। और अब हम देखते हैं कि अगर आप गुड्स को
कैश डिस्काउंट पर सेल करते हैं तो उसकी एंट्री आप कैसे पास करेंगे। तो अभी जैसे आप देखेंगे स्क्रीन पर एग्जाम्पल है, गुड्स सोल्ड रुपीज 20,000 ऑन 10% कैश डिस्काउंट। तो अभी जैसे कि हम यहाँ पर गुड्स को सेल कर रहे हैं तो हम यहाँ पर F8 की प्रेस करेंगे सेल्स वाउचर में आने के लिए। फिर यहाँ पार्टी नेम में कैश सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर कैश में सेल कर रहे हैं। जितने अमाउंट के गुड्स सेल कर रहे हैं वो अमाउंट यहाँ पर एंटर कर लेते हैं 20,000, एंटर प्रेस करते हैं। और अब हमने यहाँ पर जो है गुड्स बेचते टाइम 10% का कैश डिस्काउंट दिया है। तो जब हम गुड्स बेचते टाइम कैश डिस्काउंट देते हैं तो तब हम यहाँ पर लेजर सेलेक्ट करेंगे डिस्काउंट अलाउड, और जितने परसेंट का डिस्काउंट दिया है उसे हम यहाँ पर रेट कॉलम में एंटर करेंगे। तो हम यहाँ पर एंटर करते हैं -10। आप ध्यान देंगे कि जो डिस्काउंट का रेट आप एंटर करेंगे वो आप माइनस के साथ एंटर करेंगे। अब हम एंटर की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 20,000 पर 10% कैलकुलेट होके शो हो गया है 2,000, और यहाँ पर जो इसका टोटल बिल अमाउंट बन गया है वो हो गया है 18,000। और अब हम यहाँ पर कंट्रोल ए प्रेस करके इस वाउचर को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अभी आपने देखा कि आप कैसे सेल परचेज में कैश डिस्काउंट की एंट्रीज को पास कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ट्रेड डिस्काउंट की एंट्रीज को आप कैसे पास करेंगे। तो अब जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखेंगे ट्रेड डिस्काउंट का एग्जाम्पल है, परचेज गुड्स रुपीज 25,000 ऑन 5% ट्रेड डिस्काउंट, यानी 25,000 के गुड्स 5% के ट्रेड डिस्काउंट पर परचेज किए हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ गुड्स परचेज किए हैं तो F9 की प्रेस करेंगे परचेज वाउचर को ओपन करने के लिए। यहाँ पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर एंटर कर लेंगे, पार्टी नेम में एंटर करेंगे कैश क्योंकि हम यहाँ पर कैश में परचेज कर रहे हैं, पर्टिकुलर्स में सेलेक्ट करेंगे परचेज, और अब यहाँ पर जो अमाउंट लिखेंगे वो डिस्काउंट को लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो यहाँ पर लिखेंगे। क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट है और ट्रेड डिस्काउंट का रूल है कि टोटल बिल अमाउंट में से डिस्काउंट को लेस करके जो अमाउंट आया है उसे यहाँ पर लिखा जाता है। यानी कि यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव नहीं लिखा जाएगा, बल्कि जितने के गुड्स हमने परचेज किए हैं, हमने 25,000 के गुड्स परचेज किए हैं जिस पर हमें 5% का डिस्काउंट मिला है, तो 25,000 का 5% निकालने के बाद जो अमाउंट आया है उस अमाउंट को हमने यहाँ पर एंटर कर लिया है। और अब हम यहाँ पर जो है कंट्रोल ए प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अभी आपने देखा कि अगर आप ट्रेड डिस्काउंट पर कैश में परचेज करते हैं गुड्स को तो उसकी एंट्री को आप कैसे पास करेंगे। इसके बाद अब हम देखते हैं कि अगर आप क्रेडिट पर गुड्स को परचेज करते हैं ट्रेड डिस्काउंट पर तो उसकी एंट्री को आप कैसे पास करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर स्क्रीन पर एग्जाम्पल है, परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश रुपीज 25,000 ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि रमेश से 25,000 के गुड्स परचेज किए हैं 10% के ट्रेड डिस्काउंट पर। तो सिंपली आप यहाँ पर पार्टी नेम में जिस पार्टी से आपने गुड्स परचेज किए हैं रमेश उसका नाम एंटर करेंगे, पर्टिकुलर्स में यहाँ पर एंटर करेंगे परचेज। अब हमने जो है 25,000 के गुड्स परचेज किए हैं 10% के ट्रेड डिस्काउंट पर, तो अब यहाँ पर आप 25,000 पर 10% ट्रेड डिस्काउंट को लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो यहाँ पर एंटर करेंगे। तो वो जो अमाउंट है वो होगा 22,500, तो उसे हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। और अब यहाँ कंट्रोल ए प्रेस करके वाउचर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इसी तरीके से आप जो है ट्रेड डिस्काउंट के साथ सेल वाउचर भी क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइज, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा कि किस तरीके से आप टैली प्राइम में डिस्काउंट की एंट्रीज को पास कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।